दोस्तों जय हिंद। मैं आज लुद्रवा गांव से 15 किलोमीटर दूर हूँ। ये जो इलाका आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पुराने समय में कोई समुद्री इलाका रहा था और इसको टेथी सागर भी कहते हैं। रामायण में आपने एक कथा पढ़ी होगी जिसमें भगवान श्री राम जो बाण मारते वो इस साइड ही आया था और ये पूरा इलाका सूख गया था। ठीक है ना, कहते थे इधर जानवर ऐसे भयानक और राक्षस आदि रहते थे। तो ये पूरा इलाका आप देखते होंगे तो ये सही से तो ये कहीं पानी के कटाव आदि लगे हुए हैं। ये पूरा यहाँ पर समुद्र था। आज हम कुछ मैं मित्रों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। होली का दिन था तो घूमना तो बनता ही है, इसलिए हम घूमने आए थे। मैं अभी आपको सज्जनों का परिचय करा देता हूँ। वैसे मेरे साथ वो रहते ये सज्जन, वैसे इधर आपको कैमरा घुमा के मैं बताता हूँ। ये जालम सिंह जी है, नमस्कार। रंग महल में आप सिक्योरिटी गार्ड है, 5 साल से सेवाएं दे रहे हैं और इनकी सेवाओं से पृथ्वीराज जी बहुत ही संतुष्ट है। ये सर जी है हमारे, मसूरिया में आप अध्यापक है, मसूरगढ़ में आप अध्यापक है और ऐसे ही हमारे साथ सफर का आनंद लेते रहते हैं। ये गुलाब सिंह जी है, जियो में लगे हुए थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वेतन वृद्धि इनकी नहीं की गई और कुछ अनबन हो गई उनके सेठ से, इसलिए उन्होंने उसमें इस्तीफा दे दिया। ये अमीर सिंह जी है, मुरबो से अभी फ्री तो नहीं हुए हैं लेकिन 2-3 दिन की छुट्टी लेके आए हैं। फेस्टिवल की फसल टिड्डी से बच गई, वो भी एक बधाई जैसी बात है। टिड्डी से बच गई, ओलावृष्टि से बच गई और कैमरे के सामने कम आते, थोड़े संकोच स्वभाव के आदमी है तो देखो जैसे मैंने नाम लिया तो इनको थोड़ी शर्म सी आ गई है। शर्मिला स्वभाव है, जिंदगी में साथ में कुछ नहीं चलेगा, यारी दोस्ती ऐसी यारी रहेगी। ये हवा का प्रभाव ज्यादा है इसलिए माफ करना, मैं रोक भी नहीं सकता। चारों तरफ देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं, इधर मोकड़ा गांव है और इधर जगत जी का थान है। ये सभी विंड लाइन लगी हुई है हमेशा सुबह और ये हाँ भारत में सबसे पहले यही विंड मिल लगी थी। करीबन ये कितने फीट ऊपर होगा? 350 ऊपर है और इधर कुछ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगे रहते हैं, वो अभी फ्री है। इधर की साइड देखेंगे आप, ये जो मैं आपको झूम करके बताता हूँ, ये तेजुआ गांव के खड़ी ने यहाँ भी चने की फसल बोई हुई है और हम थोड़ी देर में वहाँ भी जाएंगे। और इधर आप देखेंगे तो ये इस साइड ये कोलरिया माता का मंदिर है, भाटियों की ये कुल देवी है। भाटी जो होते हैं ब्राह्मण, हाँ भाटिया ब्राह्मण उनकी कुल देवी है और हाँ मावड़िया डाडिया भी कहते हैं इसको। और इधर ये गांव है, छत्रेल गांव है इधर और हमारा गांव लोधरा इस साइड पड़ जाता है। ये जानकारी में आप सभी को एक बार फिर होली की बहुत बहुत होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। ऐसे ही कहना चाहेंगे आज के जी बिल्कुल, हम जिस स्थान पे खड़े हैं वो एक तरह से जैसलमेर जिले का वह स्थान है जहाँ पर भौगोलिक परिदृश्य की सभी चीजें मौजूद है। जैसलमेर में खड़ीन पद्धति पाली वालों के समय से जो पद्धति चल आ रही थी उसका आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। खड़ीन ये है, दो खड़ीन है जिसमें चने की फसल बोई हुई है, साथ में ही खारे पानी की बुझ झील जिसमें जैसलमेर की एकमात्र जो अंतेवाहिनी जो नदी है मसूरी, जिसको काकड़ी नदी बोलते हैं, जो मुमल की बेड़ी के किनारे से चलती है, यह 17 किलोमीटर चलने के पश्चात इसी रण में आके समाप्त हो जाती है। रण और खारे पानी की झीलें यहाँ पे 33 सागर के अवशेष रहे। यह पीछे विंडमिल की जो राजस्थान के सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता की दृष्टि से जैसलमेर में 4000 मेगावाट का उत्पादन यहाँ पे होता है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यह जो ये कटाव बने हुए हैं ये सभी प्राचीन समय में कहीं ना कहीं समुद्र के कटाव रहे हैं जो करोड़ों वर्ष प्राचीन। धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा बन गया है। सभी देखिएगा जरूर और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। होली की सबको वापस शुभकामनाएं।